चाहते हैं। सभी लोग अपना अपना सामग्री लेकर खड़े होते हैं, जोर के साथ सुहा बोलते देखिए, फिर आप लोग सामग्री डालें। हरि ओम यज्ञेलयतमे जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नाहं तेन महिमानं सचन्द्र यत्र पूर्वे जाता चन्द्रदेवा स्वाहा। नीचे से शुरू कर धीरे धीरे बढ़ाते चले जाऊँ ऊपर। हरि ओम महायज्ञ निर्मय जंत देवास्थान धर्माणी प्रथमन्यासन्ना हम तेहनाकम महिमानम सचन परमाशमाया समोतम देवी समन्वितम प्रसन्नाम ओम सजीवते इंद्रायाम नमो नमः नारायणम मानवस्तु संप्रमे माना प्रसन्नमानाम कश्मी देवाय शब्दाम देवा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की बात करें तो आज उनका जन्मदिन बहुत ही धूमधाम में भारत ही नहीं पूरे विदेशों में भी मनाया जा रहा है। भारत टीवी परिवार भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है, मंगल कामनाएं देता है। बाबरपुर से निगम पार्षद की बात करें और जिला अध्यक्ष कुसुम तोमर की बात करें, उन्होंने हवन के माध्यम से दीर्घायु कामना के लिए मोदी जी का जन्मदिन मना रही हैं। मैम, क्या शुभकामनाएँ, क्या बधाई देना चाहेंगे मंडल की ओर से? आज हमारे बड़े ही यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। बाबरपुर मंडल, बाबरपुर वार्ड और मेरे ज़िले की बहनें सभी साथ में हैं, सभी बहुत ही धूमधाम से जन्मदिन को मना रहे हैं। आज शुरुआत करेंगे 17 तारीख से लेके और 7 अक्टूबर तक हम लगातार मोदी जी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में हम लोग मनाएंगे। आज हमने हवन से शुरुआत करी है। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनको ईश्वर दीर्घायु करे और हमेशा स्वस्थ रखे, क्योंकि उनको अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं हिंदुत्व के लिए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए। आज हवन करा है, उसके बाद हलवा वितरण का कार्यक्रम है, उसके बाद हमारे महिला मोर्चे की तरफ से हर मेट्रो स्टेशन पर जो जिला नवीन शाहदरा के अंतर्गत आता है उस पर टॉफ़ी वितरण का कार्यक्रम है। तो पूरा दिन बिजी शेड्यूल है। और जैसे हम अपने घर के सदस्य का जन्मदिन मनाते हैं, हम पूरे दिन उत्साह में रहते हैं, उसी तरीके से, क्योंकि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं, हम उनको अपने परिवार का हिस्सा भी मानते हैं, तो उस नाते हम पूरा दिन आज धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाएंगे। मंडल अध्यक्ष जी, क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे? आज ये यज्ञ दुष्टों के विनाश के लिए और हमारे देश और विश्व की उन्नति के लिए रखा गया है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है और उसी रूप में हम सारे मिलकर उनका जन्मदिन यहाँ पर मना रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा गौरव है और हम बड़े गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं कि हमारी पार्टी का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिस पर हमें ही नहीं बल्कि समूचा विश्व आज उसकी तरफ देख रहा है और भारत उनके रास्ते पर चलकर बहुत ही आगे पहुँचेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को दीर्घायु देने की भगवान से कामना करता हूँ। मंडल स्तर पर कहाँ कार्यक्रम? मंडल के बूथ स्तरों पर कई जगह प्रोग्राम आज चल रहा है। बहन जी के यहाँ पे चल रहा था, करीब 14-15 जगह प्रोग्राम और चल रहा है। जो जैसा कि बहन जी ने बताया कि ये प्रोग्राम जो है आपकी यार सेवा सप्ताह के रूप में नहीं है बल्कि 7 अक्टूबर तक पूरा पखवाड़ा चलने वाला है और इसमें रोज़ कोई ना कोई सेवा कार्य मंडल की तरफ से और बहन जी की तरफ से होते रहेंगे। क्या शुभकामना। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। बहुत कम शब्दों में सारी बात। पूनम जी क्या कहेंगी? आज हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे को मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इस उपलक्ष्य में हमारी निगम पार्षद श्रीमती कुसुम तोमर जी ने उनकी दीर्घायु के लिए, नरेंद्र मोदी जी की दीर्घायु के लिए एक हवन कराया है। ऐसे युग पुरुष पूरे विश्व में कभी कभी ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे युग पुरुष के लिए हम ही नहीं पूरा विश्व जो है उनकी सतायु के लिए याचना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है और उनको आशीर्वाद दे रहा है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। आज हमने यहाँ बाबरपुर वार्ड में हवन रखा है। हमारी कुसुम तोमर जिला अध्यक्ष हम महिला मोर्चा से, उन्होंने हवन रखा है और उस हवन के बाद हलवे का प्रोग्राम होगा और नवीन शाहदरा, पूरे नवीन शाहदरा में जगह जगह मेट्रो स्टेशन पे टॉफ़ियों का प्रोग्राम चलेगा, टॉफ़ी बांटी जाएंगी। और मैं चाहती हूँ कि हम हमारे नरेंद्र मोदी जी 100 साल जिए और उनकी दीर्घायु करें। बहुत बढ़िया जी, क्या शुभकामना देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है और ये जन्मदिन एक युग पुरुष का है। इस युग पुरुष को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि सभी लोग बड़े प्रेम से, बड़े उत्साह से इनके जन्मदिन को मना रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा युग पुरुष इस धरती पर जो उत्पन्न हुआ है वो सबको मार्गदर्शन दे, सबके लिए आगे बढ़ाए, सबको हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए एक ऐसा युग पुरुष पैदा हुआ है तो हिंदुत्व को आगे बढ़ाए, भारत को आगे बढ़ाए। इसी शुभकामनाओं के साथ हम उनको बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से उनका अभिवादन भी करते हैं, उनको हार्दिक धन्यवाद भी देते हैं और उनकी दीर्घायु के लिए कामना करते हैं। संगीता जी क्या बधाई, क्या शुभकामना। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उनको लख लख बधाइयाँ हैं। और ये ऐसे पुरुष है कि ना पहले कभी आए हैं और शायद ना आएंगे, क्योंकि ये हमारे जो भारत वर्ष में पूरे देश में मनाया जाता है, इसलिए मनाया जा रहा है उनका जन्मदिन, क्योंकि सिर्फ यही है जो हमारे भारतीय को और हमारे जो हिंदू को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारी हिंदू तत्व को बढ़ावा देने के लिए तत्पर ऊपर रहते हैं, सर पर भी रहते हैं। तो उनकी लंबी आयु के लिए कुसुम दीदी ने, हमारी जिलाध्यक्ष भी है और बाबरपुर से निगम पार्षद भी है, वो जग जगह उन्होंने प्रोग्राम रखे हुए हैं। आज पूरे दिन छोटे छोटे बच्चों में, गरीब जगहों पे भी ऐसे स्थान दिए गए हैं जहाँ, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत गरीब बच्चों को उनकी पढ़ाइयों के लिए, उनकी व्यवस्थाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो वही हमारी दीदी आज कर रही हैं, जग जगह जहाँ गरीब बच्चे वहाँ हम लोग जा रहे हैं और उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। बहुत बढ़िया। विशाखा जी। हाँ, मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि श्री नरेंद्र मोदी जी जब कहते हैं, बड़े बुजुर्गों का कहना है, जब धरती हजारों वर्ष तपस्या करती है तो एक युग पुरुष जन्म लेता है। और वैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका जन्मदिन पूरे 20 दिन सेवा और समर्पण के है कि हम अपने से जितना समर्पण कर सकते हैं, जो कि मोदी जी ने पूरे देश के लिए पूरा जीवन अपना दिया और हर एक के घर को आज बिजली से रोशन कर दिया। हर एक गांवों में पानी, बिजली, लाइट, पानी, बिजली और सड़कों को बहुत ही सुंदर बनाया। ऐसे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन हम आज ही नहीं पूरे जीवन भर बनाएंगे। और कहते हैं कि ना, अपने घर के मुखिया का हमें जन्मदिन बनाना चाहिए, तो हमारे घर के मुखिया हैं, क्योंकि मोदी जी का परिवार 130 करोड़ जनता का परिवार है और इसका नेतृत्व और मोदी जी हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। हमें आज गौरव है हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने हमारे देश का मान पूरे विश्व में बढ़ाया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे देश में, पूरे ही वर्ल्ड में नंबर 1 पे रहते हैं। क्योंकि हमने ऐसा एक प्रधानमंत्री चुना है जो जन सेवक है, ना कि प्रधानमंत्री है, जनता के हित के लिए कार्य करता है। और इसके लिए हमारे यहाँ से हमारी जिलाध्यक्ष बहन कुसुम तोमर जी ने बहुत ही जगह कार्यक्रम, आज बहुत ही बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन करा है। कहीं हलवा वितरण हो रहा है तो कहीं बच्चों के साथ। मोदी जी एक ऐसे तबके से आए हैं जहाँ पे मोदी जी ने चाय बनाकर और यहाँ तक आज पहुँचे हैं, तो इसीलिए बच्चों के साथ हम टॉफ़ियाँ बांटेंगे। और बच्चों, आज के देश के प्रधानमंत्री को हर एक बच्चा जानता है। अगर 2 साल के बच्चे से भी कहा जाए कि मोदी जी कौन है तो बच्चा तस्वीर देख के पहचान लेता है। तो इसीलिए हम ऐसे देश के प्रधानमंत्री जी को आज एक बार पुनः जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे। मोदी जी, आप दीर्घायु हो और आपका नेतृत्व हमें सदैव मिलता रहे।